सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं, सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जल्द ही शुरू होने वाला है। इस फेस्टिवल में शिरकत करने दीपिका पादुकोण और मल्लिका शेरावत भी पहुंची। ये दोनों अभिनेत्रियां इन दिनों काफी मेहनत कर रही हैं। जहां रेड कारपेट पर फिर दिखने के लिए दीपिका जिम में लगातार पसीने बहा रही है, वहीं मल्लिका अपनी ड्रेस के रिहर्सल में लगी है। दोनों अभिनेत्रियों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है। मल्लिका ने एक वीडियो में पोस्ट करते हुए अपने उस गाउन की झलक दिखाई है जो वो रेड कारपेट पर पहनकर उतरने वाली है। मल्लिका ने बताया है कि ये गाउन टोनी वर्ड कर्टर का है। स्काई ब्लू इस गाउन में मल्लिका काफी खूबसूरत नजर आ रही है। 42 साल की मल्लिका शेरावत इस गाउन में रेड कारपेट पर वॉक करने की रिहर्सल करती दिखाई दे रही है और साथ ही ट्रेवल भी कर रही है। इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं दीपिका पादुकोण इस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने से पहले जिम में खूब मेहनत कर रही है। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेनिंग सेशन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। एक तस्वीर पोस्ट करते हुए मजाकिया अंदाज में दीपिका ने लिखा है कि आज वो पुशअप कर रही थी और फिर गिर गई। दूसरी तस्वीर पोस्ट करते हुए दीपिका ने लिखा है, अच्छी बॉडी बनी है। दीपिका की इस फिटनेस को देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं। कोई हॉट बता रहा है तो कोई सेक्सी। दीपिका की इन तस्वीरों पर लगातार फैंस कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण पिछले साल भी कॉन्स के रेड कारपेट पर नजर आई थी। पिछले साल उनके लुक को काफी सराहा गया था। अब एक बार फिर दीपिका इस फेस्टिवल के रेड कारपेट पर धूम मचाने को तैयार है। आपको बता दें कि ये फिल्म फेस्टिवल 14 से 25 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए अराइव एंटरटेनमेंट के साथ।